सारे डीलर भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोगों ने डव इंडिया को इतना बड़ा ब्रांड बनाया, इतना प्यार दिया, हम सब लोगों को इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश शुक्ला, डेवलप और विलेजेस यानी कि डव इंडिया से आप लोगों के सामने कुछ कहने आया हूँ। असल मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर के पहली बार आया, मुझे याद है। मैं बहुत डर रहा था कि ये लोग पसंद करेंगे कि नहीं, ये लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने इस पर भरोसा किया, आप लोगों ने इसको इतना सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, डेवलप और विलेजेस ये चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन के साथ में मिल करके हेल्थ सेक्टर में भी बहुत काम करता है। मुझे बताने में खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि अब तक हम लोग 855 प्लस बच्चों का के इलाज में मदद कर चुके हैं। एक बच्चे की भी कहानी सुनाता हूँ, बात बताता हूँ। मास्टर दशराज जो कि 7 साल का एक बच्चा है, उसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो गया, एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। उसके पापा सिक्योरिटी गार्ड में हैं, नौकरी करते हैं, और उनकी मदर हाउसवाइफ है, और टोटल इस ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट का इलाज का खर्चा 10 लाख से भी ज़्यादा था, तो इनके लिए करपाना असंभव था। आपको बता करके खुशी होगी कि मास्टर दक्षराज का ट्रीटमेंट हो चुका है और ये बच्चा डिस्चार्ज हो गया है, अब स्वस्थ है। रिहैबिलिटेशन की कुछ दवाएं अभी भी चालू हैं और बहुत जल्दी ये भी दवाएं वगैरह बंद हो जाएंगी। ऐसे ही हम लोगों ने अब तक 855 से ज़्यादा बच्चों का उनका लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्लड कैंसर, प्री मैच्योर बेबी, इन सब चीज़ों में उनका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। सर, अभी भी हमारे पास में वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको बताता हूँ, कुछ बेबी ऑफ नेहा, ये ट्विंस प्री मैच्योर बेबी हैं, ये वासवी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हर्ष नैन जिसको ब्लड कैंसर हो गया है, 6 लाख से ज़्यादा का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट का खर्चा है, जो कि रेनबे हॉस्पिटल में एडमिट है। दियांश इसको ब्लड कैंसर हो गया है और उसका 10 लाख से ज़्यादा का खर्चा है, और ये मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल मथुरई में एडमिट है। शशि को ब्लड कैंसर हुआ, 6 लाख से ज़्यादा का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। रियांश कॉन्जनाइटल हार्ट डिसीज से ग्रसित है, जिनका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 4,50,000 है और जहांगीर हॉस्पिटल में एडमिट है। ट्विंस ऑफ मनीषा, ये प्री मैच्योर ट्विंस बेबी हैं, जिनको 2 महीने NICU में रखना पड़ेगा और इनका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट लॉर्ड्स हॉस्पिटल में एडमिट है, ये 9 लाख से ज़्यादा का खर्चा है। आरोही ब्लड कैंसर से ग्रसित है, जिसको 6.5 लाख रुपये का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि MGM हॉस्पिटल में एडमिट है। पीयूष, इसको भी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी एक तरह का ब्लड कैंसर है, और ये MHCG MCR हॉस्पिटल में एडमिट है, 10 लाख रुपए। ऐसे लिस्ट लंबी है, लिस्ट जरूर लंबी है, लेकिन कहाँ हम थके हुए हैं, अभी हमने भी वैसा ही जोश है, और आप लोगों ने हमें जो इतना सपोर्ट दिया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स ऐसे ही लाते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे, और इसका जो भी प्रॉफिट होता है वो हम ऐसे ही बच्चों का ट्रीटमेंट कराते रहेंगे, और समाज के लिए भी कुछ करते रहेंगे, और गांव-गांव का विकास हमारी प्राथमिकता है, उसमें भी जुड़ते रहेंगे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, आप लोगों की वजह से ही हम लोग अभी इतना कर पाए हैं। सर, बहुत सारे आप लोगों के एरिया में या फिर कहीं एरिया में आप जानते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता असमर्थ होते हैं और उन बच्चों को गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे कि ब्लड कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर ट्रांसप्लांट, या फिर प्री मैच्योर बेबी होते हैं जिनका खर्चा जो है 10 से 15 लाख रुपए का आता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसे गरीब बच्चों का जो है वो समर्थ नहीं होते हैं इलाज कराने के लिए। तो इस अगर आपको भी नज़र में ऐसे कोई बच्चे हैं जो असमर्थ हैं अपना ट्रीटमेंट करवा पाने, उनके माता पिता असमर्थ हैं उनका ट्रीटमेंट कराने पे, तो हमें बहुत खुशी होगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन की के सपोर्ट के साथ में मिलकर के उन बच्चों का इलाज कराने में पूरी कोशिश करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको बहुत जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाएँ और अपने घर को और बहुत अच्छे होकर के जाएँ। और इन सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।